फाल्गुन मास शुरू हो चुका है। यह महीना श्री कृष्ण को समर्पित है। फाल्गुन मास में कई शुभ कार्य किए जाते हैं। अगर विवाह कार्य में कोई भी बाधा या विघ्न पड़ रहा है तो फुलेरा दोष इसके लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। फुलेरा दोष की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण उस दिन भक्तों व राधा रानी के साथ में होली खेलते हैं। इस दिन शुभ कार्य करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शादी विवाह में कोई भी अड़चन आ रही हो तो फुलेरा दोष पर राधा कृष्ण की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन भक्त श्री कृष्ण के साथ में होली खेलते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि इस दिन का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर विवाह कार्य या कोई भी शुभ कार्य करना हो तो फुलेरा दोष सर्वप्रथम श्रेष्ठ मानी गई है। आइए उज्जैन के ज्योतिष शास्त्र से जानते हैं फुलेरा दोष के बारे में विस्तार से। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम देवपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया फुलेरा द्वीज के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा वृंदावन में इस दिन भगवान का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन ऐसा सिद्ध मुहूर्त होता है कि कोई भी कार्य करना हो वह बिना मुहूर्त के यह कार्य कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए बड़ा उत्तम दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रंगारंग पूजन करने से, अर्थात रंग गुलाल और पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में बड़ी शांति प्राप्त होती है, सुख मिलता है, हर प्रकार की वैभव प्राप्त होते हैं दंपति को। लेकिन दंपति मिलकर, पति पत्नी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करें। फुलेरा दूज इस बार मंगलवार को पड़ रही है जिससे कि सभी प्रकार के मंगल कार्य सिद्ध होने वाले हैं। फुलेरा द्वीज के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल सरकार का पूजन करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करें। इस बार फुलेरा द्वीज 12 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। दिन भर भगवान का पूजन करें और राधा रानी का, श्री कृष्ण का पूजन कर अपने जीवन को सुखद बनावें।